बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेराज फातिमा एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है छोला पूरी ढाबा स्टाइल। चलिए शुरू करते हैं छोला पूरी के इंग्रेडिएंट्स। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि मेरे जो न्यू रेसिपीज आते हैं आप लोग से मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। जी, ये ले लिया है बड़ा कप। एक कप मैंने चिकपी लिया हुआ है, जो काबुली चना बोलते हैं, उसको मैंने 8 घंटों तक पानी में भिगाकर 6 से 8 सीटी नमक डालकर गला लिया है। पानी भी डालकर देखिए इस तरीके से पूरे सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इतना गलना है तो 6 से 8 सीटी में ये गल जाएंगे। ये है 1 बंच हरा धनिया, 1/2 बंच पुदीना, 3 हरी मिर्च, इसको वॉश करके रेडी कर लें। ये है 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा प्याज पूरा, और यह है 3 मीडियम टमाटर्स। इसमें थोड़े मसाले ज्यादा लगते हैं, घबराइएगा मत, बहुत क्विक बन जाता है और घर के ही मसाले हैं जो भी है। यह है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, यह है जीरा पाउडर 1/2 स्पून, आमचूर पाउडर 1/2 स्पून, 1/4 स्पून चाहिए हमें गरम मसाला, ऑप्शनल है, लेना है तो लें वरना ना ले चलेगा। ये है काला नमक बिल्कुल 1/4 स्पून, थोड़ा सा लिया है मैंने फॉर एक टैंगी चटपटा सा टेस्ट के लिए। ये है बाजार में मिलने वाला छोला मसाला, जो के लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये तो हमारे घरेलू मसाले हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 स्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी 1 टीस्पून, और ऑयल हस्बे जरूरत। ये हो गया हमारा छोला। अब आज मैं बनाने वाली हूँ पूरी भी, उसके लिए ले लीजिए 1.5 मग आटा, घरेलू आटा जो नॉर्मल जो घर में रहता है रोटी वाला आटा वो ले लीजिए। और हम बना रहे हैं चना, जो कि डाइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने लिया हुआ है अजवाइन बिल्कुल 1/4 स्पून एंड 1/2 टी स्पून नमक लिया हुआ है, जो कि हम आटे में थोड़ा सा तेल डाल के गूंद लेंगे। फर्स्ट काम जो हम करेंगे आटा गूंदने का, चलिए शुरू करते हैं। में ऐसा हमने घोल बना लेना है इसका, तो आपने लीजिए ये लिया हुआ है मैंने अजवाइन, और ये डालूंगी मैं इसमें अब नमक। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल से जरा आटा अच्छा गूंदे जाता है, और रोटी भी जो हम रोटी बनाए या पूरी बनाए उसमें नरमी आती है। और पहले हम भिगाकर इसको रेस्ट करने रखेंगे, इस वजह से मैं फर्स्ट ये आटा गूंद कर रख ले रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आटा गूंद के। और ये आटा जो है मैं बिल्कुल नरम भी नहीं भिगाऊंगी और ना ही बिल्कुल सख्त भिगाऊंगी, मीडियम आटा, और लेकिन इसको रेस्ट करना लाजिम है, फिर से बोलूंगी मैं। ये आटा मैंने इस तरीके से गूंद कर तैयार कर लिया है, ना बिल्कुल हार्ड है ना बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा वाला आटा हमें गूंद कर तैयार कर लेना है। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे एक 15-10 मिनट्स, उसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। जब तक हम बना लेंगे छोला। जार ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे पूरा हरा मसाला और टमाटर, इसका हमने पेस्ट बना लेने का है। चलिए मिलती हूँ पेस्ट बनाकर। देखिए ये तीनों चीजों का मिश्रण मिलके इस तरीके से पेस्ट बना लिया है हमने। चलिए अब करते हैं इसको कुकिंग। ओपन कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में हमने डाला है 4 टेबलस्पून ऑयल। अब उसमें हम डालेंगे ये मिक्स जो भी हमने प्याज और टमाटर हरा मसाले का बना लिया है, वो ऐसे डाल लेंगे। थोड़ा फ्लेम हम कम कर लेंगे। अब इसमें डालने हैं हमने मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्च, हल्दी और नमक, जीरा, धनिया, गरम मसाला एंड आमचूर। चलिए अब हम इसको करते हैं मिक्स मिक्स। इसको हमने पकाना है अच्छे से एक 5 मिनट तक, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा चना, बाकी के मसाले। देखिए हमने 5 मिनट कुक किया है, अब इसमें हम डालेंगे गले हुए चने, और जो हमने एक छोला मसाला और काला नमक बोला था वो भी डाल देंगे इसमें, कस्तूरी मेथी भी डाल जाएगी। सब मिलाकर हम एक 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको
अच्छे से कुक करेंगे ताकि चनों में इसका जो मसाला है वो पूरा अच्छी तरीके से आ जाए। जब तक हम प्रिपरेशन करते हैं पूरी की, आधा ग्लास पानी डल गया है इसमें। अब इसे हमने 5 से 10 मिनट कुक करना है। जरा अगर आप चाह रहे हैं तो ये चनों को थोड़ा मैश भी कर ले सकते हैं, साबित भी रख सकते हैं, ऐसा आपका आपकी मर्जी। चलिए मिलती हूँ इसको कुक कर पूरियां बनाकर। ऐसी हमने गोलियां बना लेनी है पूरी की, जितना साइज का आपका पूरी चाहिए आपको उतने साइज की छोटे छोटे से गोलियां बना लेनी है। फिर उसके बाद हमने इसको बेल कर डीप फ्राई करना है। इस तरीके से हमने रोल आहिस्ता आहिस्ता रोल करके इसकी पूरियां बेल लेनी है। पूरा बेल के रेडी कर लें, फिर एक साथ एक के बाद हम तल लेंगे इसे। चौ तरफ से बराबर हो, बिल्कुल पतली भी ना हो, बिल्कुल मोटी भी ना हो। देखिए हमारी अजवाइन वाली पूरी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। जबरदस्त से छोला पूरी तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इसे बनाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि पूरी के साथ खाना, तो इसे हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं। चलिए अब लेती हूँ इजाजत। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि मेरे जो रोज नए रेसिपीज आते हैं आप लोग से मिस ना हो, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। एंजॉय द फूड।